नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर द टच क्लिनिक, A5 बेस्टेक बिजनेस टावर, मोहाली। आई एम अ रिकरेंट मिसकैरेज स्पेशलिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट रिकरेंट मिसकैरेज क्लिनिक आई स्टार्टेड वे बैक इन 2012। रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है? रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब है कि बार बार मिसकैरेजेस होना, जिसको आम भाषा में गर्भपात या अबॉर्शन बोलते हैं। आजकल हम वर्ड अबॉर्शन नहीं यूज़ करते, मिसकैरेज यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस, अगर दो बार मिसकैरेज हो चुका है तो वो रिकरेंट मिसकैरेज में आता है, और कुछ लोग 3 times लगातार मिसकैरेज हो तो उसको मिसकैरेज में मानते हैं। एक मिसकैरेज होना बहुत कॉमन है, 100 में से 30 लोगों का कभी ना कभी एक मिसकैरेज हो जाएगा। जो प्रेगनेंसी लाइफ बेबी नहीं करती और 24 हफ्ते के पहले ख़त्म हो जाती है, उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। अब एक मिसकैरेज क्योंकि बहुत कॉमन है, उसका कारण भी बहुत कॉमन है। इसका कारण मोस्टली ये देखा गया है कि जो बच्चा बनता है वो जेनेटिकली अबनॉर्मल होता है या उसमें विकृति होती है, तो ये नेचर का तरीका है टू गेट रिड ऑफ दैट प्रेगनेंसी। सो जिनको एक मिसकैरेज है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मोस्ट लाइकली उनकी अगली प्रेगनेंसी अपने आप अच्छी तरीके से हो जाएगी। पर अगर बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिकरेंट मिसकैरेज एक्सपर्ट की राय लें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिसकैरेज जो है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से कपल के लिए टॉर्चरिंग होता है। और जब बार बार मिसकैरेजेस होते हैं तो उसमें विकृति का कारण कम होता है, कुछ और कारण होते हैं जिनको अगर ट्रीट किया जाए तो 90% चांस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अच्छे से सक्सेसफुली हो जाएगी। अब मिसकैरेज के कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया, जो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, और उसके लिए जो कपल्स हैं उनके कैरियोटिपिक जाँच होनी चाहिए कि कहीं वो कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कैरियर तो नहीं है। अगर वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कैरियर हैं तो उनमें मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। और दूसरा, उनके लिए एक आधुनिक तकनीक अवेलेबल है जो हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं PGS, जिससे पहले ही पता लगाया जा सकता है कि बच्चा विकृत होगा कि नहीं होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है, वो होता है थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, मतलब कि जो लेडी होती है उसके अंदर ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से टिपिकली बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। या बच्चे में IUGR हो जाता है, ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, या उसका प्लेसेंटा यानी कि ऑल एबनॉर्मल हो जाती है। ऐसे केसेस को अगर ट्रीट किया जाए, जिसमें बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि एस्पिरिन, हेपरिन, कई बार स्टेरॉइड्स भी देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर तरीके से ट्रीट किया जाए तो उनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। पर अगर ट्रीट ना करें तो फिर मिसकैरेज का रिस्क 80% से ज़्यादा होता है। एक और कारण होता है बच्चेदानी की कमज़ोरी, पर ये वाले जो मिसकैरेजेस होते हैं ये यूजुअली 14 से 15 हफ्ते के बाद होते हैं, और इसमें अगर बच्चेदानी में टांका लगा दिया जाए तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि थायराइड, शक्कर की बीमारी यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा हो, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिसकैरेज कॉज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको मिसकैरेज हो रहा है तो उसका इलाज है, और एक अच्छे रिकरेंट मिसकैरेज एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोगों की सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अच्छे ट्रीटमेंट से हो जाती है, इसलिए बिल्कुल निराश ना हो। और अगर हम आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या एक अच्छे रिकरेंट मिसकैरेज स्पेशलिस्ट से अपने शहर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।